इसराइल ने हिजबुल्ला को खत्म करने की जो कसम खाई थी लगता है वो पूरी हो जाएगी। इसराइल अब हिजबुल्ला को खत्म करके ही छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इजरायली हमले में हिजबुल्ला का चीफ नसरल्ला मारा गया, उससे हिजबुल्ला लड़ाकों की कमर टूट चुकी है। इजरायली हमले से लेबनान में हड़कंप है, दहशत फैल चुकी है। इसराइल के तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि अभी वो रुकने वाला नहीं है, तो अपने सबसे बड़े दुश्मन से चुन चुनकर वो बदला लेना चाहता है, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। अब जब चारों तरफ चर्चा हो रही है कि हिजबुल्ला का चीफ मारा गया है, तो मन में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कौन था हिजबुल्ला का चीफ नसरल्ला, उसकी इसराइल से क्या दुश्मनी थी। तो चलिए आपको नसरल्ला के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। नसरल्ला का पूरा नाम शेख सैयद हसन नसरल्ला था, जिसने एक संगठन को सैन्य और राजनीतिक ताकत में बदल दिया था। नसरल्ला का जन्म 1960 में बेरूत के बोरेज हम्मू इलाके में हुआ था। उसके पिता फल और सब्जियों का कारोबार करते थे। नसरल्ला अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उसने 1975 में लेबनान में गृह युद्ध के दौरान अमन आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद नसरल्ला इराक गया था, लेकिन जल्द ही वहां से वापस आकर अमन आंदोलन से जुड़ गया। साल 1982 में जब इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, तो नसरल्ला ने कुछ लोगों के साथ अलग होकर इस्लामिक अमल नाम का एक संगठन बनाया। यही इस्लामिक अमल बाद में हिजबुल्ला बन गया। साल 1985 में हिजबुल्ला ने दुनिया के सामने अपने संगठन का ऐलान कर दिया और सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के खिलाफ जुबानी हमला बोला। हिजबुल्ला ने अमेरिका और रूस को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए इसराइल के खात्मे की मांग की। नसरल्ला 1992 में हिजबुल्ला का चीफ बना। तब से उसका एक ही एजेंडा था, इसराइल के खिलाफ जंग और उसका विनाश। नसरल्ला लगातार इसराइल के खिलाफ जहर उगलता रहा, इसराइल पर हमले करता रहा। अब तक हिजबुल्ला को दुनिया भर के देश जानने लगे थे। नसरल्ला का संगठन तेजी से सक्रिय और मजबूत होता जा रहा था, जिसके बाद नसरल्ला की छवि इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में हो गई। ऐसी जानकारी है कि इसराइल के हमले में नसरल्ला के साथ उसकी बेटी भी मारी गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक फल वाले का बेटा इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन बैठा। तो उसके पीछे नसरल्ला की जिहादी सोच ही थी। उसका सपना था कि वो इसराइल का विनाश कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसराइल के हमले में नसरल्ला मारा गया, तो सवाल ये भी है कि अब हिजबुल्ला का क्या होगा, हिजबुल्ला का अगला चीफ कौन बनेगा, क्योंकि इसराइल के हमले में हिजबुल्ला के कई बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। वैसे अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हासिम सफीदीन को अगला हिजबुल्ला चीफ बनाया जा सकता है। वो हिजबुल्ला के पॉलिटिकल मामलों को देखता है और नसरुल्ला का चचेरा भाई भी है। साल 2017 में अमेरिका ने सफीदीन को आतंकी घोषित कर दिया था, जहां तक लग रहा है कि सफीदीन के नाम पर ईरान को भी कोई ऐतराज नहीं होगा।